योगी सरकार ने बड़ी कार्रवाई करते हुए लखनऊ के पुलिस कमिश्नर डीके ठाकुर और कानपुर कमिश्नर विजय सिंह मीणा को हटा दिया है। डीके ठाकुर और विजय सिंह मीणा को वेटिंग में डाल दिया गया है। तो वहीं एसबी शिरोडकर को लखनऊ का नया पुलिस कमिश्नर बनाया गया है, जबकि बीपी जोगदंड को कानपुर का नया पुलिस कमिश्नर नियुक्त किया गया। उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने चित्रकूट में सरकारी अस्पताल का औचक निरीक्षण किया है। इस दौरान उन्होंने अस्पताल में स्वास्थ्य सेवाओं का जायजा लिया और इसके साथ ही उन्होंने मरीजों की समस्याओं को भी सुना है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने अस्पताल में लापरवाही मिलने पर डॉक्टर मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं देने के लिए सख्त निर्देश दिए। इसके अलावा उन्होंने अस्पताल के एम्बुलेंस का भी जायजा लिया। यूपी लेखपाल भर्ती मेंस परीक्षा में पेपर लीक का मामला सामने आया है। लेखपाल भर्ती परीक्षा का पेपर सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस मामले पर समाजवादी पार्टी की ओर से योगी सरकार को घेरते हुए पेपर लीक का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल किया गया और वहीं यूपी एसटीएफ की टीम ने पेपर लीक मामले में 27 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। तो वहीं राजस्व लेखपाल मुख्य परीक्षा में अभ्यर्थियों से मोटी रकम लेकर के सॉल्वर बैठाने का आरोप भी लगा है। और वहीं यूपी लेखपाल भर्ती परीक्षा में पेपर लीक मामले में एसटीएफ ने एडीजी अमिताभ यश ने बताया है कि परीक्षा में पेपर को सॉल्व कराने के लिए कुछ सॉल्वर्स के गैंग एक्टिव थे। पूरे प्रदेश में कई लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। कन्नौज में पुलिस के हाथ बड़ी सफलता लगी है। दरअसल पुलिस ने 6 महीने में लापता युवती के कंकाल को पुलिस ने बरामद कर लिया है। बताया जा रहा है कि युवती की बहन ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर के अपनी बहन की हत्या कर दी थी और हत्या करने के बाद आरोपियों ने युवती के शव को सड़क किनारे गड्ढे में दफना दिया था। फिलहाल पुलिस दोनों आरोपियों से पूछताछ कर मामले की जाँच कर रही है। मिर्जापुर पुलिस ने गांव प्रेमापुर में जमीनी विवाद के मामले में फायरिंग करने वाले 8 लोगों को गिरफ्तार किया है। इसके साथ ही पुलिस ने घटना में इस्तेमाल हुए लाइसेंसी हथियार और कारतूस को भी बरामद कर लिया है। पुलिस ने बताया है कि जमीनी विवाद में हुई फायरिंग की घटना उनके पास शनिवार को दर्ज करवाई गई थी। अयोध्या के सर्किट हाउस में आजादी के अमृत महोत्सव के तहत बिजली महोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इस कार्यक्रम में सांसद लल्लू सिंह शामिल हुए हैं। इस दौरान कार्यक्रम में केंद्र और प्रदेश सरकार की विभिन्न योजनाओं और इनसे लोगों के जीवन में आए परिवर्तन पर आधारित डॉक्यूमेंट्री भी दिखाई गई। तो वहीं सरकार की ऊर्जा क्षेत्र में जुड़ी कई योजनाओं की जानकारी दी गई है। लखनऊ में पुलिस टीम की एक गैंगस्टर सिराज उर्फ अब्दुल के साथ मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ में पुलिस की टीम ने गैंगस्टर सिराज को गिरफ्तार किया है। बता दें कि पुलिस की गोली लगने से गैंगस्टर सिराज घायल हुआ था, जिसके बाद उसको अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। पुलिस को गैंगस्टर सिराज की काफी दिनों से तलाश थी और सिराज पर लखनऊ और सुल्तानपुर सहित कई राज्यों में केस दर्ज है। पुलिस ने गैंगस्टर सिराज के पास से एक पिस्टल, कारतूस समेत सोने का एक हार भी बरामद किया। फतेहाबाद के शैरपुर गांव में दो पक्षों की महिलाओं के बीच में मामूली विवाद को लेकर के मारपीट हो गई है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। मारपीट का वीडियो वायरल होते ही पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी है।